वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 35,000 लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो अपन एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या इतना 15 मिनट का कुछ कैंडल बना ही इतना बड़ा कि पूरा ट्रेंड ही मिस हो गया। फिर भी मैंने तो आज कुछ ट्रेडिंग की नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला, बट एक सिंगल शॉर्ट मार्केट नीचे आ गया फिर वोलाटाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स ने 35,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स वापस एक्टिव होकर इसके नीचे क्लोजिंग दी आज। तो मार्केट का वीकेंड वीडियो में जानेंगे हम, वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मार्केट का देखेंगे। आज हम जानते हैं कि जो वैलिड ट्रेंड लाइन्स जो होती है, मार्केट किस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, किससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, जो वैलिड ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करता है इसके बारे में सीखेंगे। तो मैं किसी एक स्टॉक टाटा मोटर्स का मैं अभी देख रहा था, तो इस पे आ जाते हैं अपन। तो जो वैलिड जो ट्रेंड लाइन होती है ना, उसके लिए अपने को हमेशा टाइम फ्रेम जो होती है वो सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए, उससे फिर छोटी टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। तो उससे अपने को पता चलता है हाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ये काम कर सकती है। तो पहले सबसे पहले मंथली चार्ट पे आना चाहिए, किसी भी स्टॉक के मंथली कैंडल पे आना चाहिए। तो यहाँ से अब जैसे एक ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे मार्केट इसको फॉलो करता करता ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे इसने 2 बार लिया, यहाँ पे 1 बार सपोर्ट लिया, तो ये जो सपोर्ट था ये आगे जाके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ऐसी जो ट्रेंड लाइन होती है इसको वैलिड बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं लेता इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है ये मतलब वैलिड नहीं है, ये कुछ काम की नहीं है। ऐसे ड्रॉ करना सीखेंगे अपन। अब ये जो ये तो थी अप ट्रेंड की, अब ये जो डाउन ट्रेंड में यहाँ जो है, अब ये यहाँ से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की अपन ने, तो यहाँ पे ये जो आगे है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ मार्केट जो है ये एक एक कैंडल मंथली है, तो यहाँ कितने मंथ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अराउंड 5 से 6 मंथ्स यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद आफ्टर एक इस कैंडल ने एक अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट दिया। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन से। तो ये है वैलिड ट्रेंड लाइन। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए मंथली चार्ट पे आना चाहिए, फिर यहाँ से जो है ये कैंडल वाला, यहाँ से हमें लाइन वाले चार्ट पे आना चाहिए। उसके बाद जैसे ये जो जितने भी शार्प भी बन रहे हैं ना, जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास, तो ये जितने भी शार्प भी जैसे इस टाइप के भी है ये और इस टाइप के भी है, तो ये जो इनके जो जो कोने होते हैं ना शार्प वाले, इस पे अपने को एक लाइन खींचनी है। सबसे पहले यही करना है। तो ये इससे क्या होता है अपने को एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस रेंज में और किसका पॉइंट क्या है, पिन पॉइंट क्या है, इससे पिन पॉइंट का पता चलता है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे अपन यहाँ तक, एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की पर, और एक यहाँ से खींचेंगे अपन यहाँ इसको मान लेते हैं वी पर, ये एक शार्प भी हो गया, यहाँ से इधर खींचेंगे अपन किसी भी एक वी से मिला देते हैं इसको, ठीक है। अब इससे फिर अपन आएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो लाइन अपन ने खींची ये वहाँ शार्प वी के जो कोने हैं वहां से मैच होती है, यानी तो वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे हम, तब यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ मैच हो गई, यहाँ मैच हो गई, यहाँ मैच हो गई, ये जो उल्टा वी बन रहा है ये दिख रहा है जरा सा ये वाला, यहाँ भी मैच हो गई, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैलिड ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ भी मैच हो गई है। अब आएंगे अपन डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ देखते हैं यहाँ मैच होती नहीं, यहाँ मैच हो गई देखो, ये यहाँ। तो ऐसे अपने को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो लाइन ट्रेंड लाइन जो है ये मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम तीनों में वैलिड है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेक और ब्रेक की, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, या इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ से मार्केट बहुत नीचे जाएगा। तो इसका अपन एग्जाम्पल यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न में देख लेते हैं। तो यहाँ देखो मार्केट, ये एक्चुअली थोड़ा क्या होता है मंथली टाइम फ्रेम में अपने को थोड़ा
थोड़ी सी लाइन इन वीक्स तक लेनी पड़ती, क्योंकि वीक्स जो होती है बहुत बड़ी होती है मंथली में। यहाँ अपन एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ मंथली मंथली में जाके इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो वीक्स होती है ना, वीक्स, और इनको भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से एक यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए। हाँ, तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड की थी ट्रेंड लाइन, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती हुई आ रही थी, तो यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे फिर मार्केट होल्ड करके एक ब्रेकआउट अच्छा खासा, फिर यहाँ से इस जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन थी, इसका रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने इस अराउंड के समथिंग, और यहाँ से एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया। अभी मार्केट होल्ड कर रहा है, और ये जो लेवल है इसका अभी फिलहाल मेक और ब्रेक का लेवल है, तो अराउंड 525 के बाद वापस एक रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है, जो इसको ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगी। तो ऐसे अपन वैलिड ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पूछ सकते हो। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।